वेलकम टू सी ए गुरु जी क्लासेज डॉट कॉम फिफ्टी सेकेंड जी एस टी काउंसिल मीटिंग हुई है सात अक्टूबर दो हजार तेईस को हर बार की तरह इस मीटिंग में भी बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन है डिसीजन है रिलेटेड टू चेंज इन जी एस टी रेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अदर चेंजेस रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज अदर मेजर्स जिसमें बहुत सारे सर्कुलर्स आपके पास आएंगे जैसे कि क्लैरिफिकेशन है फोर uh, जो पर्सनल गारंटी है बाय डायरेक्टर्स गारंटीज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई आईएसडी के लिए अमेंडमेंट है जीएसटी एक्ट में और इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं जो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ इस वीडियो को बिना स्किप किए आपने एंड तक देखना है चेंज नंबर वन चेंज इन रेट्स ऑफ गुड्स चेंज इन रेट ऑफ गुड्स में है पहला चेंज फॉर द मिलेट्स तो मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट ऑन मिलेट्स ऐसे मिलेट्स जो यूज़ किए जा रहे हैं इन प्रिपरेशन ऑफ फ्लावर इन पाउडर फॉर्म जिसमें कंटेन करते हैं मिलेट्स एटलीस्ट सेवेंटी परसेंट बाई वेट और जो फॉल करते हैं अंडर एच एस वन नाइन जीरो वन उनके लिए जो रेट है वो चेंज कर दिया गया है उनको जीरो परसेंट रेट में लाया गया है अगर वो बेचे जाएंगे ऐसे

मेटेलाइज पॉलिस्टर फिल्म या प्लास्टिक फिल्म तो जिसमें प्लास्टिक इंक्लूड होता है उसके लिए क्लैरिफिकेशन दी गई है एंट्री ऑफ इमिटेशन जरी थ्रेड और येक्टिंग फाइव परसेंट जीएसटी रेट हाउ एवर नो रिफंड विल बी अलाउड ऑन पॉलिस्टर फिल्म या प्लास्टिक फिल्म ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्शन तो इसका रेट अब फाइव परसेंट कर दिया गया है पहले यह एटीन परसेंट था बट

टेरिटरी गवर्मेंट्स एंड लोकल अथॉरिटीज इन रिलेशन टू दिस इसको आपको लिंक करना है एक चेंज के साथ विच इज टू क्लेरिफाई द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट सेटअप बाइ द स्टेट गवर्नमेंट अक्रॉस दंट्री इन मिनरल माइनिंग एरिया आर गवर्मेंट अथॉरिटीज एंड दिलीजिबल फॉर द सेम एग्जाम्शन फ्रॉम जीएसटी एज अवेलेबल टू एनी अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी तो यहाँ पे एक क्लैरिटी देने के लिए गवर्नमेंट ने बताया है डी एम एफ टीज है वो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनको भी सेम एग्जाम्पन्स मिलेंगी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को मिलती है फर्दर नेक्स्ट चेंज है जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है टू एग्जाम द सर्विसेज ऐसी सर्विसेज जो दी जा रही है सेंट्रल uh, जो दी जा रही हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज को जैसे कि वाटर सप्लाई पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन कंजर्वेंसी सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन सप्लाई इन सर्विसेज़ को भी एग्जाम कर दिया गया है और जो भी ये चेंजेस देख पा रहे हो ना आप चाहे वो गुड्स के रेट में है सर्विसेज के रेट में है, है, या अदर चेंजेस हैं या सर्कुलर्स हैं कि आपको अभी मिलेंगे धीरे धीरे सात अक्टूबर को मीटिंग हुई है तो अक्टूबर मिड तक या एंड तक ये आ जाएंगे और जो भी चेंजेस हैं वो आपको थ्रू द नोटिफिकेशन नोटिफाई करे जाएंगे कि, कि किस डेट से ये इंप्लीमेंट होंगे तो आपका मेजर क्वेश्चन रहता है मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है नेक्स्ट चेंज हम कवर करेंगे गुड्स रिलेटेड अदर मेजर चेंजेस रिलेटेड टू गुड्स में है जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड टू कीप एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल यह है ई एन ए ये यूज किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहल लेकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यानी आप इसका इसे रॉ मटेरियल मान सकते हैं इसे जीएसटी लॉ के बाहर रखा गया है लॉ कमेटी ने एग्जामिन किया अमेंडमेंट इन लॉ टू एक्सक्लूड ई एन ए फॉर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फ्रॉम एम्बिट ऑफ जीएसटी ये जो एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का रॉ मटेरियल है इस पर जीएसटी की बात करी जा रही थी तो गवर्नमेंट ने अभी इसे अपने प्रिव्यू से बाहर रखा है और स्टेट्स को ये पावर दी है कि वो चाहे तो जीएसटी लगा सकते हैं नेक्स्ट चेंज है टू रिड्यूस जीएसटी ऑन मोलासिस तो जो शुगर केन के एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनके लिए जो जीएसटी है मोलासिस पर उसे रिड्यूस कर दिया गया है 28 से 5 परसेंट इस स्टेप से क्या होगा इंक्रीज होगी लिक्विडिटी विद द मिल्स एंड दे विल एनेबल फास्टर क्लियरेंस ऑफ केन ड्यू टू शुगर केन फार्मर्स इससे वो उनके जो ड्यूज हैं वो जल्दी लौटा देंगे दिस विल लीड टू तो रिड्यूस इन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर क्योंकि इससे मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट रिड्यूस होगी जो कैटल फीड एज मोलैसिस है इज ऑल्सो एन इन्ग्रीडियंट इन इट्स मैन्युफैक्चर देन है तीसरा सेपरेटरिफ एच एस कोड क्रिएट किया जाएगा डिजिट लेवल का कस्टम टैरिफ एक्ट में टू कवर रेक्टिफाइड स्पिरिट फॉर इंडस्ट्रियल यूज द जीएसटी फॉर ए फीएसटी तो जो भी चेंजेस है चाहे वो एच एस एन में है और रेट्स के जो भी क्लैरिफिकेशन है वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू चेंजेस आपके सामने जल्दी ही लेकर आएगा अब मैं डिस्कस कर रही हूं आपके साथ अदर चेंजेस रिलेटेड टू सर्विसेज सबसे पहला है टू क्लेरिफाई दैट जॉब वर्क सर्विस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ बार्ले इनटू माल्ट अट्रैक्ट करेगा फाइव परसेंट जीएसटी तो इसमें कंफ्यूजन थी जॉब वर्क सर्विस जो दी जा रही है इन रिलेशन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स उस केस में जीएसटी लगेगा फाइव परसेंट फॉर बार्ले इनटू माल्ट और अगर अदर देन फोड प्रोडक्ट है तो अठारह परसेंट जीएसटी लगेगा ये क्लैरिफाई कर दिया गया है एक जनवरी दो हजार बाईस से लाइबिलिटी थी टू पे जीएसटी ऑन बस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सप्लाइड थ्रू इको कौन पे करता था इसमें जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स अंडर सेक्शन नाइन फाइव दिस ट्रेड फैसिलेशन मेजर वॉज टेकन ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन तो इंडस्ट्री ने कुछ रिप्रेजेंटेशन दी उसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया है दैट मोस्ट ऑफ द बस ऑपरेटर सप्लाइंग सर्विस थ्रू इको ओन्ड वन और टू बसेज एंड वर नॉट इन पोजिशन टू टेक रजिस्ट्रेशन मीट जीएसटी कंप्लाइंस तो क्योंकि ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनके पास अपनी बसेज हैं एक या दो पर वो जीएसटी कंप्लाइंस करने के लिए आ, उनका उनको वो सुटेबल नहीं है तो टू अराइव बैलेंस बिटवीन द नीड ऑफ स्मॉल ऑपरेटर फॉर इज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द नीड ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजर प्ले टू टेक प्लेयर्स टू टेक आई टी सी जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है दैट बस ऑपरेटर ऑर्गेनाइज एज कंपनी जो ऐसे बस ऑपरेटर हैं जो एज अ कंपनी ऑर्गेनाइज है दे मे भी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोव्यू ऑफ सेक्शन नाइन फाइव ऑफ सी जी एस टी एक्ट दिस वुड एनेबल टू पे जी एस टी ऑन देअर सप्लाई यूजिंग देयर आई टी सी तो यहाँ पे बात करी जा रही है कि सेक्शन नाइन फाइव में जो इको पे करते थे ट्रांसपोर्टेशन पर जीएसटी अब उसमें से कुछ को बाहर कर दिया गया है जो है ऐसे ट्रांसपोर्टर्स जो कंपनी के स्टेटस में हैं वो खुद अब जीएसटी पे कर पाएंगे और आईटीसी अवेल कर पाएंगे तो जो उनको जो आईटीसी का लॉस होता था वो खत्म हो जाएगा नेक्स्ट है ये क्लैरिफिकेशन मैंने आपको बताई दी डीएमएफटी वाली देन है सप्लाई ऑफ of...

टेक्सेबल पर्सन हुक्शन हंड्रेड सेवन ऑफ दस्ट दिमांड ऑर्डर आया फोर सेक्शन हंड्रेड सेवन में उसकी अगेंस्ट अपील नहीं कर पाए पा, जो ऑर्डर आया था वो आया था ऑन और बिफोर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और ग्राउंडील फिल्ड विदिन द टाइम पीरियड अंडर सेक्शन हंड्रेड सेवन In all such cases, filing of appeal by taxpayer will be allowed against such order up to 31st January 2024, subject to condition of payment on amount of pre deposit of 12.5% of tax under dispute, out of which at least 20% should be debited from electronic cash ledger, that is 2.5% of tax under dispute. This will facilitate a large number of taxpayers who could not file appeal in the past within the specified time period. तो अगर आप भी उनमें से हैं जिनके पास ऑर्डर आया था सेक्शन 73 एंड 74 का और अपील फाइल करने का टाइम पीरियड निकल चुका था तो अब आप फिर से अपील फाइल कर सकते हैं बट उसके लिए एक कंडीशन लगा दी गई है कि आपकी जो फीस है अपील की फीस जो आपको डिपॉजिट करनी है वो टेन होती है इस केस में आपको ट्वेल्व पे करनी होगी और वो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से तो आप इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप अपील फाइल करना चाह रहे थे आपकी या आपकी अपील रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि आपका टाइम पीरियड लैप्स हो गया था याद रखना है आपको

वैल्यूएशन के लिए यहाँ पे बताया गया है इश्यू सर्कुलर एक सर्कुलर आएगा क्लैरिफाइंग no कोई भी कंसिडरेशन पेड नहीं किया गया कंपनी के थ्रू डायरेक्टर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो इस केस में जो पर्सनल गारंटी दी गई है उस केस में ओपन मार्केट वैल्यू होगी इस ट्रांजेक्शन की जीरो और हैंस नो टैक्स टू बी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई ऑफ सर्विस देन है बी इंसर्ट किया जाएगा रूल ट्वेंटी एट में सब रूल टू

टू ऑफ रूल ट्वेंटी एट इक्टिव ऑफ वेदर फुल आई टीजेबल टू द रिस और अटैच प्रोपर्टी आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ वन ईयर तो जो प्रोविजनली अटैच वाले प्रोविजन है इसमें फॉर्म में चेंज किया जा रहा है अभी तक जो फॉर्म था इसका डीआरसी ट्वेंटी टू उसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं थी टाइम लिमिट डिफाइन करने की तो फॉर्म को चेंज कर दिया जाएगा जिससे कोई भी कंफ्यूजन अराइज ना हो The council recommend an amendment in sub rule 2 of rule 159 and form DRC22 to provide that the order of provisional attachment in form GST DRC22 shall not be valid after expiry of 1 year from the date of said order this will facilitate release of provisionally attached property after expiry of period of 1 year

सप्लाई ऑफ को लोकेशन सर्विस देन है इशुएस ऑफ क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में कुछ केसेज हैं जैसे स्पेशल आई एन आर वोस्ट्रो अकाउंट एज परमिटेड बाई आर बी आई तो उस केसेज में रेमिटेंस ऐसी रेमिटेंस के केस में कुछ इशूज थे उनको क्लैरिफाई किया जाएगा अलॉक किया जाएगा एस सी जेड यूनिट एंड डेवलपर को फॉर ऑथोराइज ऑपरेशन जो ऑथराइज ऑपरेशन के लिए एक्सपोर्ट uh, कर रहे हैं फॉर आई जी एस टी रिफंड रूट बाई अमेंडमेंट इन नोटिफिकेशन नंबर वन बाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ठीक है नोटिफिकेशन नंबर वन आई थी हमारी एक्सपोर्ट के केस में आपको रिफंड देने के लिए बट एक्सेप्ट जैसे हमारी कमोडिटीज हैं पान मसाला तो बैकू गुट का तो एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में एस सी जेड को भी अलाउ किया जाएगा आई जी एस टी रूट के थ्रू रिफंड लेने के लिए उसके लिए चेंज किया जाएगा नोटिफिकेशन नंबर वन में ये हमारे साथ जल्द अब मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ अदर लॉ एंड प्रोसीजरल मैटर्स जो डिस्कस किए गए हैं मीटिंग में पहला है अलाइनमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट विद द प्रोविजन ऑफ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट बना रही है जीएसटी में उसके लिए ना जैसे प्रेसिडेंट के लिए जो टाइम लिमिट है एज लिमिट और अदर देन प्रेसिडेंट जो मेंबर्स हैं उनके लिए जो एज लिमिट है वो चेंज करी गई है प्रेसिडेंट के लिए करी गई है सेवेंटी इयर्स मेंबर्स के लिए करी गई है सिक्सटी सेवन ईयर्स तो इस तरह के चेंजेस है देन लो अमेंडमेंट करी जाएगी विद रिस्पेक्ट टू आई की जो रिकमेंडेशन की थी ना काउंसिल ने फिफ्ट मीटिंग में उसके रिस्पेक्ट में जो भी अमेंडमेंट होनी है हमारे जीएसटी एक्ट में वो कर कैसे अगर आपने कुछ सीखा है कुछ आपको हेल्प मिली है तो वीडियो के नीचे है सब्सक्राइब बटन इस पर आप क्लिक कर लीजिए आपके लिए बिल्कुल फ्री है बट इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है और आपके साथ जो मैंने आर्टिकल डिस्कस करा है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप हमारे वेब पेज पर आइए टेक्स अपडेट सीए डॉट कॉम यहां पर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक्टिव रहते हैं आप इनको शेयर भी कर सकते हो अदर पर्सन के साथ यहाँ पे ऑप्शंस हैं चाहे वो आपका फेसबुक है ट्विटर है टेलीग्राम है इंस्टाग्राम है कहीं भी आप इजीली शेयर कर सकते हो और हम भी अदर सोशल मीडियाज पे एक्टिव हैं जैसे कि यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर व्हाट्सअप चैनल तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें साथ ही अगर आप कोर्सेज़ में इंटरेस्टेड हैं एडवांस लर्निंग आप करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को विजिट करें सी ए गुरु जी क्लासेज डॉट कॉम प्लीज़ ध्यान रखें यही हमारा वेब पेज है सी ए गुरु जी क्लासेज डॉट कॉम किसी भी फ्रॉड वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा कोर्सेज का कोर्सेज सेक्शन में आप देख सकते हैं हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं जैसे ट्रेडमार्क कंपनी रजिस्ट्रेशन टी डी एस एंड टी सी एस जी एस टी इनकम टैक्स आई टी आर एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट अकाउंटिंग जिस एंड नाइन से आपको लिमिटेड वैलिडिटी कोर्सेज में मिलेगा तो हमारे कोर्सेज दो तरह के लाइफ टाइम वैलिडिटी एंड लिमिटेड वैलिडिटी तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है कोर्स में उस पर क्लिक करिए उसके करिकुलम को ध्यान से पढ़िए कि क्या क्या उसमें कवरेज है क्या यह आपका पर्पज सॉल्व कर रहा है अगर आपको लगे ये आपका पर्पज इससे सॉल्व हो रहा है तो आप इसे एड टू कार्ट करिए और आप यहाँ पर हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएंगे तो यहाँ आपको कोर्सेज तो दिख ही रहे हैं साथ ही हमने बहुत सारे काम्बो भी बना रखे क्योंकि बहुत सारे पर्सन ये सोचते हैं एक ही कोर्स लेके मेरा बेनिफिट मुझे नहीं होगा क्योंकि मैंने तो अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है तो मैं एक से ज़्यादा कोर्स लेना चाहता हूँ तो कॉम्बो बना दिए गए हैं ताकि आपको उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर हो सके तो आप जो भी कॉम्बो आपको अच्छा लगे यहाँ पे नौ तरह के कॉम्बो हैं आप उनमें एनरोल कर सकते हैं और अब आप कुछ पर्सन कह दें कि यहाँ तो ये कोर्स की बात करते रहते हैं देखिए कोर्सेज आजकल जो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है ना इनका बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है घर बैठे आप बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर सीख सकते हो और फिर सीख के अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर दोगे इसीलिए ये ऑनलाइन कोर्सेज आपके हेल्प के लिए ही प्रोवाइड करे जाते हैं और इनमें प्राइसिंग इसीलिए रखी जाती है क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने में आपके लिए हमारे को सर्वर की कोस्ट और भी बहुत सारी कोस्ट बियर करनी पड़ती है तो फ्री में पूरा स्ट्रक्चर कोर्स देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ऑलरेडी आपको ये कोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं आप इनसे बेनिफिट लीजिए आप अगर इसकी कोर्स देखेंगे ना तो इतना कोर्स तो आप शायद ट्रेवलिंग पे लगा देंगे इतना पैसा तो अगर आप ऑफलाइन लेने जाएंगे कहीं से क्लास तो इनका बेनिफिट लीजिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए जितना लर्न करेंगे उतनी ही जल्दी अर्न करेंगे किसी ने सही कहा है बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे तो आपके बेनिफिट के लिए ही हमारी वेबसाइट पे ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहां हमारे वेब पेज पर एफ भी अवेलेबल है कोई भी आपको क्वेरी आ रही है कोर्स रिलेटेड यहाँ पे दिए अदरवाइज आपके पास एक कॉन्टैक्टर्स की ऑप्शन है यहाँ पे हमारी ई मेल और मोबाइल नंबर अवेलेबल है आप व्हाट्सअप पर भी हमारे साथ बात कर सकते हो मोबाइल पर भी कॉल पर बात कर सकते हो टीम के साथ और हाँ यहीं से हमारा जो टेक्स अपडेट्स का को पेज है जहाँ से आपको डेली हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिल सकते हैं वो भी अवेलेबल है और सी ए गुरु जी क्लासेज डॉट कॉम को आप चाहे तो अपने कंप्यूटर से एक्सेस करिए या फिर इसकी एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है अपने मोबाइल में एंड्रॉइड ऐप इसकी डाउनलोड कर ले सी ए गुरु जी क्लासेस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग